राजस्थान में रीट परीक्षा को रीटोत्सव नाम दिया गया, लेकिन इस परीक्षा के दौरान नकल गिरोहों के हाईटेक तरीकों ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। नकल के लिए डिवाइस लगी चप्पलें 6-6 लाख रुपए में बिकी। बीकानेर पुलिस ने चप्पल बनाने वाले दिल्ली के इंजीनियर सुरेंद्र और नकल गिरोह के मास्टरमाइंड तुलसाराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस भी मानती है कि गिरोह के ये लोग अपने फन में माहिर थे। ये सुरेंद्र जो है दिल्ली से लेके आए हैं, ये बीटेक किया हुआ है और इंजीनियर है, ये भी बहुत होशियार है अपने काम में, अपने फन में माहिर है। और तुलसाराम भी चूंकि पहले भी मुकदमे हैं तो ये भी होशियार है। तो इन लोगों ने क्या है कि एक तो मेटल डिटेक्टर भी मिला है इनसे, तो मेटल डिटेक्टर को ये क्या है कि यूज करते थे कि भाई अपना जो डिवाइस वगैरह लगा हुआ उसको ये खुद चेक करते थे कि कहीं पकड़ में तो नहीं आ रहा, कल को वहाँ पे पुलिस चेक करे अपना ये सामान पकड़ में आ जाए। तो इसलिए ये पूरी तैयारी और बड़ी सावधानी से काम करते थे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पुलिस की पैनी नज़र से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो रही है। ये लोग पैसे ले लेते हैं, फिर नकल हो नहीं पाती है, और नकल होती है तो मुकदमे होते हैं, फिर जेल जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चक्कर में खराब भी होते हैं, बर्बाद होते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि इस चक्करों में नहीं पड़े, नकलों के मेहनत करके आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। पुलिस की नसीहत अपनी जगह है और अपराध अपनी जगह। दिल्ली के इंजीनियर सुरेंद्र ने अपराध को अंजाम देने के लिए गूगल तक पर अपनी डिटेल डाल रखी थी। सुरेंद्र बीटेक है और वहाँ पे ये डिवाइस वगैरह का इस तरह के काम करता है, और अब इसने है जो अपना वो डिटेल वगैरह इस पे नेट पे चढ़ा रखी है, तो जिस किसी को भी ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है वो सर्च करके इसके नंबर लेके इससे बातचीत करके ले लेते हैं। तो ये इस तरह के करते हैं, लेकिन हमने अभी की बार इनको सबको मुलजिम बनाया, जिसका भी थोड़ा बहुत भी जिसकी बदमाशी थी, जिनका कहीं भी रोल आया, उन सबको हमने मुलजिम बनाया, किसी को नहीं बख्शा। और एक ज़बरदस्त कार्रवाई करके हमके इनके नेटवर्क को ऐसा ध्वस्त किया है कि अब ये कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। बीकानेर पुलिस गिरोह का नेटवर्क ध्वस्त करने के दावे कर रही है। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हैरानी ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी संगठित गिरोह काम कर रहे हैं। अभी तक कुल 11 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। और जो चप्पल सप्लायर था, जो हमने पहले चप्पल पकड़े थे उनमें और डिवाइस जो पकड़ी थी उसका सप्लायर करने वाला सुरेंद्र कुमार दिल्ली से लेके आए हैं, उसका और इनका आपस में संपर्क हुआ था अगस्त महीने में। इन्होंने गूगल पे सर्च करके इसका पता वगैरह मोबाइल नंबर लिए, फिर उससे संपर्क किया, वहाँ गए तो ये रोज़ की तरह इसने डिवाइस वगैरह दिखाई। इसके बाद में सुरेंद्र कुमार ने इनको कहा कि भाई अब की बार मैंने एक नई चीज़ बनाई है जो पकड़ में नहीं आएगी। तो इन्होंने पूछा भी क्या बनाई है, तो कि ये एक चप्पल है, इसमें हमने डिवाइस फिट की है। तो फिर इन्होंने ये चप्पलें खरीदी, लेकिन जो सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ये नई चीज़ बनाई है और ये पकड़ में नहीं आएगी, उसको ये पता नहीं था कि पुलिस की पैनी नज़र से कोई नहीं बच सका है। तो ये हमारे द्वारा पकड़े गए, इनका नेटवर्क ध्वस्त हुआ और हमने अभी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी नई चीज़ आएगी वो फाइल में ली जाएगी और आगे जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों से मिली सिमों, मोबाइलों और दस्तावेजों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। नकल गिरोह की तह तक जाकर पुलिस ने इनकी कमर तोड़ी है। अपराध की ये फेहरिस्त यहीं थम जाए तो बेहतर। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।